रोज की तरह वो आदमी घर से ऑफिस के लिए निकला। घर से ऑफिस का रास्ता करीब 10 किलोमीटर दूरी का था। क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया था तो वो थोड़ा जल्दी में था और परेशान भी था। रास्ते में चलते चलते उसे एक पुल मिला। जैसे ही वो पुल के बीचों बीच पहुंचा उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वो आदमी गाड़ी से उतरा, उसने देखा कि गाड़ी का टायर पंचर है। ये देखकर वो थोड़ा और परेशान हो गया और थोड़ा गुस्से में आ गया, इरिटेट फील करने लगा। खैर कर भी क्या सकता था, वो गाड़ी का टायर चेंज करने लगा। फिर जब वो गाड़ी का टायर चेंज कर रहा था तो एकदम अचानक उसका पैर फिसला और गलती से उस गाड़ी के टायर के चारों बोल्ट नीचे नदी में जा गिरे। अब ये देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गया, और ज्यादा गुस्से में आ गया, और ज्यादा इरिटेट हो गया। वो देखने लगा कि एक तो वैसे ही लेट था, ऊपर से ये चीज और उसके साथ हो गई। इसलिए सोच सोच के इस प्रॉब्लम को देख देख के वो और गुस्से में आ गया। उसने प्रॉब्लम को देख के उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तभी अचानक वहां से एक किसान गुजर रहा था। किसान ने उस आदमी को परेशान देखा। उसने उस आदमी से पूछा कि भाई बताओ क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तो उस आदमी ने उस किसान को गुस्से में जवाब दिया, तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरी क्या मदद करोगे, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, मैं टायर बदल रहा था तो मेरे बोल्ट नीचे चले गए, इसमें तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते, तुम जाओ यहाँ से, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तो किसान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने थोड़ी देर टायर को देखा और उस आदमी से बोला कि सुनो भाई, यहाँ आसपास कोई भी पंचर की दुकान नहीं है, तो क्यों ना आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी के तीनों टायरों में से एक एक बोल्ट निकाल के इस वाले टायर में लगा दो और धीरे धीरे गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाओ, थोड़ी दूर पे ही आपको एक पंचर वाला मिलेगा जो आपकी गाड़ी को ठीक कर देगा, तो फिर आप अपने काम पे चले जाना। इतना सोच के आदमी का जैसे पूरा गुस्सा एकदम से पानी हो गया। वो ये सोच के हैरान था कि जो बात इस एक गरीब से किसान ने इतनी जल्दी से सोच ली वो मैं क्यों नहीं सोच पाया। उस आदमी ने उस किसान से पूछा कि भाई तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तो उस किसान ने सिर्फ एक जवाब दिया कि जब आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी तो आप केवल एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मैं उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा था। तो दोस्तों हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह से होती है। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो हम उस प्रॉब्लम को देख के इरिटेट हो जाते हैं, उस पर गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सिर्फ केवल प्रॉब्लम को देखते हैं। लेकिन हमें उस किसान की तरह प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए कि हम इसके सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम सोचने वाला बंदा नहीं, सॉल्यूशन सोचने वाला बंदा बनना है, हमें बहुत बड़ा बनना है। धन्यवाद।